और आपको बताएं कि फवाद चौधरी का इदारों के दरमियान नई डील की जरूरत पर जोर। वफाकी वज़ीरे साइंस ने कहा कि इदारों के इख्तियारात की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आर्मी एक्ट में तरामीम के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना होगा। जब तक इदारों में मिसाक नहीं होता, मसाइल में जकड़े रहेंगे। हमारे यहां भी अब जरूरत है कि हम एक नए मिसाक की बुनियाद रखें इदारों के दरमियान। सो इदारों के दरमियान एक नई डील की ज़रूरत है, एक न्यू डील की ज़रूरत है। हमें अपनी रफ्तार में कमी लाने की ज़रूरत है। इदारों को दूसरे इदारों के साथ एक इख्तियारात की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तमाम इदारों के साथ एक बैलेंस ऑफ पावर में जाना चाहिए और उसके लिए एक डायलॉग चाहिए। बिल्कुल जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, ये घर बैठे नहीं होगा, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चाहिए। इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बात की है इदारों की स्ट्रेंथनिंग की, और इदारों की स्ट्रेंथनिंग से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुराद यकीनी तौर के ऊपर ये भी है कि एक दूसरे के जो इख्तियारात हैं, जो तवाजुन है, उसका एहतराम किया जाए। एक जो हमारी आर्मी एक्ट में तरामीम का मामला है, इसके ऊपर हमें कंसेंसस से आगे बढ़ना चाहिए, और सेकेंडली मुआशी पॉलिसियों के ऊपर हमें एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए।